हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी डी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि हिस्ट्री का क्विक रिवीजन का वीडियो चल रहा है, तो उस वीडियो में हम आधुनिक भारत का देख रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। बंगाल हमने देख लिया, आज का टॉपिक है मैसूर। तो मैसूर का नाम आते ही सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है हैदर अली का। ठीक है, हैदर अली मैसूर राज्य में, ठीक है, मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य जो ही बोलिए, मैसूर स्टेट में एक सैनिक के तौर पे इन्होंने अपना सेवा देना चालू किया था। ठीक है, फिर ये वहाँ के फौजदार बन गए। कहाँ के? दिंडीगुल, ये जगह है, दिंडीगुल की फौजदार बन गए। और इनके नाम इतने सारे अचीवमेंट्स हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं का बेटा टीपू सुल्तान, जिसके बारे में भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, इनका जो टेन्यूर था 1761 से लेकर 82 तक का था। 81 में इनकी डेथ हो गई थी, हारने के बाद डेथ हो गई थी, और 81 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो भी हम देखेंगे। तो 1761 में इन्होंने क्या किया था कि जबरदस्ती जो नंजा राजर थे, नंजा राजर वन ऐसा बोल सकते हैं आप, नंजा राजर वन जो थे उनको इन्होंने जबरदस्ती गद्दी से हटाया था। ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे ये? तो ये कृष्ण राजा वन, सॉरी, ये इनका एक ही नाम था, नंजा राजा जो थे ये प्रधानमंत्री थे कृष्ण राजा वन का। और ये जो लोग रहने वाले थे, ये दिख रहा बराबर, ये जो राजा थे ये वोडेयार किंगडम था, वोडेयार डायनास्टी के थे। ठीक है, तो जहाँ के राजा थे। तो एक काम पहले इन्होंने ये किया हैदर अली ने कि प्रधानमंत्री को हटा के खुद उस पर काबिज हो गए। फिर आता है इनके जो मेन चीज जो है हैदर अली से रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका दूसरा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो 1766 से लेके 69 तक चला था। ठीक है, जिसमें कि हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ठीक है, 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा आता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास का समझौता कभी किया था? 1769, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। फिर आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो, इतना सारा स्क्रीन लगा हुआ पता नहीं चलता कहाँ देखना है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1780 से 84 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि हैदर अली का जो माहे पोर्ट था, जो उनके ट्रीटी मतलब उनके अधिकार क्षेत्र के कब्जे में जो पोर्ट था, फ्रेंच पोर्ट जो था, उस फ्रेंच पोर्ट का नाम था माहे, उस पोर्ट को अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद आता है आपका, इसके बाद होने के बाद उन्होंने क्या किया हैदर अली ने कि हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, इन तीनों के साथ मिलके इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई, अपनी एक सेना बनाया, और उसके साथ इन्होंने आर्कोट जो जगह था उसको कैप्चर कर लिया, जो कि कार्नेटिक स्टेट का कैपिटल था, राजधानी था, कार्नेटिक का जो राजधानी था आर्कोट, उसको इन्होंने कब्जा कर लिया। बस इतना ही इनके बारे में है, बाकी तो सेकेंड एंग्लो मैसूर के समय ही इनकी 1781 में ही इनकी डेथ हो गई थी, ये दिया हुआ है। और हैदर अली को हराया गया था 1781 में पोर्ट नोवा, जगह का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हराया गया था? पोर्ट नोवा, आयरकुट लोगों ने हराया था, आयरकुट ने हराया था, और इनको हराया था पोर्ट नोवा पे। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हैदर अली से रिलेटेड इतना ही है, अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे टीपू सुल्तान का। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगला टॉपिक है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान हैदर अली के सुपुत्र है, यानी उनका बेटा था। ठीक है, जिसका टेन्योर था 1782 से लेके 99 तक। देखिए, इस हैदर अली में और टीपू सुल्तान में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेनली जो चार एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे ना, उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, और ट्रीटी, कौन सा समझौता साइन किया गया था उस समझौते का नाम, तो इन दोनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही आते हैं, दिख रहा है? ठीक है, देखिए, तो
हुआ क्या था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब भी चल रहा था उसी समय 1781-82 के आसपास इनकी डेथ हो गई हैदर अली की, ठीक है। तो इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने जो सेकेंड वाला वॉर था ना, एम वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर जो था, उसको इसने कंटिन्यू किया 1784 तक। फिर 84 में सेकेंड वाला वॉर ख़त्म हो गया और एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एक समझौता हुई और ये जो युद्ध था उसका पूर्ण विराम हो गया। पता नहीं इन लोगों क्या था तो खाली युद्ध ही करते रहते थे। फिर तीसरा आ गया आपका एम वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1790 से लेकर 92 तक चला, 92 तक चला। इस वॉर में क्या हुआ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपको पढ़ेंगे ये परमानेंट सेटलमेंट में इनका नाम आपको सुनाई देगा, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसने क्या किया, वो कैप्चर कर लिया बेंगलोर को, ठीक है, इस थर्ड एम वॉर में। और उसके साथ ही एक ट्रीटी हो गई जिसको बोलते हैं सेरिंगपट्टनम समझौता। सेरिंगपट्टनम 1792 में हुई थी, कभी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि हाफ जो साम्राज्य बोल सकते हैं आप उसको, हाफ साम्राज्य जो था किसका था, जो टीपू सुल्तान का, क्या बोलते हैं, सुल्तान का जो हाफ साम्राज्य था वो इनको इस ट्रीटी के बाद, सेरिंगपट्टनम ट्रीटी के बाद गंवाना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद आता चौथा एम वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1799 में चला। उस समय जो थे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने अटैक किया टीपू को, और इसी फोर्थ जो आपका एंग्लो मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। कौन मृत्यु का कारण था टीपू सुल्तान का, वेलेस्ली। तो आपको यहाँ जो मेन याद रखने वाली चीजें है इसमें वो है एंग्लो मैसूर 1, 2, 3, 4। इसमें याद रखिएगा ईयर कि किस साल ये हुआ था, दूसरा किंग मतलब उस समय का एम्पायर कौन था, ठीक है, राजा कौन था, तीसरा जो ब्रिटिशर्स के तरफ से थे वो लोग कौन थे, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रीटी कौन सी साइन की गई थी, ठीक है। तो ये चार टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ये हो गया टीपू के बारे में। हाँ, एक दो चीज़ और मैंने नोट किया इसमें जो आपको सोचा बता दूँ। टीपू सुल्तान फॉरेन ट्रेड को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहता था, तो इसने क्या किया था कि एम्बेसी, उसको बोलते ना एम्बेसी, एम्बेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, अमेरिकन एम्बेसी होता ना, जहाँ पर राजदूत बैठते हैं, ठीक है। तो एम्बेसी की स्थापना की थी ताकि फॉरेन ट्रेड को काफ़ी अच्छे से किया जा सके। तो एम्बेसी इसने फ्रांस, टर्की और पेरू वगैरह में बनाया था। और इसका एक चीज है, ट्री ऑफ लिबर्टी का बोलते हैं कि टीपू हैड प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी एंड लेटर ही ज्वाइंड एडहॉक ग्रुप, ठीक है। तो एक ध्यान रखिएगा, ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग पता ही आप लोगों को क्या होता है, छूट। तो ये चीज़ें हैं जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी के साथ मैसूर का जो साम्राज्य का जो चर्चा था, हम लोग राजाओं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं एंशियंट की, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश एक्सपेंशन, जब ब्रिटिशर्स आते हैं 1757 वाला जो युद्ध हुआ और ये सब जो चला श्रीरंगपट्टनम से लेके 1799 तक जो चला, अब इसके बाद जो उनका एक्सपेंशन आता होता पंजाब का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जितना हो सके पढ़िए, और कुछ और डिमांड हो तो आप बताइए क्वेश्चन में, कमेंट में, ताकि और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।